हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज की वीडियो में मैं आपको ऐसे खतरनाक ट्रिक्स बताऊंगा जिनका आप इंस्टाग्राम में फ्रेंड या फिर अपने एनिमी को यहाँ पे सरप्राइज कर सकते हो, और साथ ही आप इन वाले ट्रिक्स से यूज करके अपनी रैंक को भी काफी यहाँ पे पुश कर सकते हो। तो वीडियो का एंड तक आप जरूर से देखना, और अगर आप चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। तो गाइस, समझो पहले वाला ट्रिक है, ये काफी अमेजिंग है, और इस वाला ट्रिक का यूज करके आप अपने फ्रेंड्स को यहाँ पे सरप्राइज कर सकते हो। तब आपको यहाँ पे क्या करना होगा, आपको ग्रेवयार्ड के पास वाले लॉन्च पैड पे आ जाना है। जैसे आप यहाँ पर आ जाओगे, फिर आपको अपने लॉन्च पैड को यहाँ कुछ इस तरीके से सेट करना होगा, जैसे मैं यहाँ पे सेट करूंगा। और जैसे आपके लॉन्च पैड यहाँ पे सेट हो जाएगा, फिर आगे जाके आप मेरे को यहाँ पे फॉलो करना। तो गाइस, हो सकता है आपसे वाला ट्रिक एक बार में ना हो, तो आपने दोबारा से मेरे को एक बार देख लेना। तो जैसे मैं यहाँ पे सेट करूंगा अब लॉन्च पैड को, आप भी बिल्कुल वैसे यहाँ पे सेट कर लेना। और जैसे आपको लॉन्च पैड यहाँ पे सेट हो जाएगा, फिर आप अपने लॉन्च पैड को यहाँ पे लॉन्च कर देना। और जैसे आप अपने लॉन्च पैड को यहाँ पे लॉन्च करोगे, फिर आपको यहाँ पे सरप्राइज देखने को मिलेगा। तो जैसे कि आपने देख सकते हो, मेरा जो करेक्टर है एकदम से पेड़ से टकरा के उल्टी साइड उड़ता हुआ चला गया। और जैसे आपको फ्रेंड इस वाले ट्रिक को यहाँ पे देखेगा, वो भी यहाँ पे सरप्राइज हो जाएगा कि आपने पेड़ से टकरा के उल्टी साइड कैसे चले गए। बस आपको अपने लॉन्च पैड को बिल्कुल ऐसे सेट करना होगा। जैसे आपको लॉन्च पैड यहाँ पे सेट हो जाएगा, फिर आपकी वाली ट्रिक काफी साइंस से काम कर जाएगी। सो गाइस, आपकी वाली ट्रिक कैसे लगी? अगर आपकी वाली ट्रिक पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को यहाँ पे लाइक कर देना। तो चलते हैं अब हम अपनी नेक्स्ट की ओर। तो गाइस, समझो नेक्स्ट वाला ट्रिक है, ये काफी ज्यादा अमेजिंग है, और इस वाला ट्रिक का यूज करके आप अपने फ्रेंड्स को यहाँ पे सरप्राइज कर सकते हो। तब आपको यहाँ पे क्या करना होगा, आपके फोर्चूनर के पास एक नया टावर दिख रहा होगा। तो नया टावर के पास आपको वाली एक लोकेशन दिख रही होगी। तो जैसे कि आप मैप के अंदर देख सकते हो, आप भी कुछ इस वाली जगह पर आ जाना। और जैसे आप यहाँ पर आ जाओगे, फिर आप अपने बैकपैक को खोल के यहाँ पे लूट को ड्रॉप कर देना। और जैसे आप अपनी लूट को ड्रॉप करोगे, फिर आपको यहाँ पे एक सरप्राइज देखने को मिलेगा। तो गाइस, जैसे कि आप यहाँ देखते हो, जितनी भी लूट मैं यहाँ पे ड्रॉप करता जा रहा हूँ, सारी सारी लूट यहाँ पे गायब होती जा रही है। और जैसे आप इस वाले ट्रिक को अपने फ्रेंड को यहाँ पे दिखाओगे, वो भी यहाँ पे सरप्राइज हो जाएगा कि आपकी सारी सारी लूट यहाँ से कहाँ गायब हो गई। और जैसे आप उस वाली जगह पर दोबारा से जाओगे जहाँ पर आपने लूट को ड्रॉप करा था, तो आपको यहाँ सारी सारी लूट वापस यहाँ पे मिल जाएगी। बस आपको उसी जगह पर अपने बैठ के यहाँ पे लूट को ड्रॉप करना होगा। जैसे मैंने यहाँ पे लूट को ड्रॉप करा था, तो आपकी वाली ट्रिक काफी सारे यहाँ पे काम कर जाएगी। तो गाइस, आपकी वाली ट्रिक कैसी लगी? अगर आपकी वाली ट्रिक भी पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को यहाँ पे लाइक कर देना, कमेंट करके आप जरूर से बताना। तो चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट की ओर। तो गाइस, समझो नेक्स्ट वाला ट्रिक है, ये एक तरह से हाइडिंग प्लेस होने वाली है, और इस वाला ट्रिक का यूज करके आप अपनी रैंक को काफी यहाँ पे पुश कर सकते हो, और आपको यहाँ पे एनिमी कभी भी स्पॉट नहीं कर पाएगा। तब आपको यहाँ पे क्या करना होगा, आपको यहाँ पे मैक्लेरन वाली कार की जरूरत पड़ेगी। तो इस वाली गाड़ी को लेने के बाद आपको सेंट्रोसा के पास पे एक ब्रिज दिख रहा होगा, तो आपको इस ब्रिज के पास आ जाना है। और जैसे आप यहाँ पर आ जाओगे, फिर आपको अपनी गाड़ी को कुछ इस तरीके से यहाँ पे सेट करना है, जैसे मैं यहाँ पे सेट करूंगा। और जैसे आपकी गाड़ी यहाँ पे सेट हो जाएगी, फिर आपको अपने गेट ऑफ वाले बटन पे दबा के एंटर वाले बटन पे दबाना है, और उसके बाद आपको दोबारा से अपने गेट ऑफ वाले बटन पे दबा देना है। और जैसे आप ये करोगे, तो आप ब्रिज के अंदर की तरफ आ जाओगे। तो गाइस, यहाँ पर आने के बाद जैसे कि आप देख सकते हो, आप टोटली हाइड हो जाओगे, क्योंकि वाले जो ब्रिज है बाहर से टोटली कवर्ड है, तो आपको यहाँ पे एनिमी कभी भी स्पॉट नहीं कर पाएगा। और गाइस, बस आपको यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है, अगर आपने अपने एनिमी को यहाँ से मारने की कोशिश करी, तो उसे यहाँ पे फेक डैमेज आएगा, जिसकी वजह से आप एलिमिनेट हो जाओगे। तो अगर आपको अपने एनिमी को यहाँ से किल करना होगा, तो आप बस ग्रेनेड का यूज कर सकते हो। तो ग्रेनेड का यूज करके आप अपने एनिमी को काफी इजीली किल कर पाओगे। और गाइस, यहाँ पर कुछ ऐसा भी नहीं है कि अगर आप यहाँ अंदर की तरफ आ गए, तो आप यहाँ बाहर की तरफ नहीं जा पाओगे। तो अगर आपको यहाँ से बाहर की तरफ जाना होगा, तो आप यहाँ कहीं से भी जॉयस्टिक को आगे की तरफ मूव करके निकल सकते हो, और आप यहाँ आराम से बाहर की तरफ भी आ जाओगे। और साथ साथ आप अपने फ्रेंड को भी यहाँ पे सरप्राइज कर सकते हो कि आप यहाँ ब्रिज के अंदर चले गए, और वो भी यहाँ पे सरप्राइज हो जाएगा कि आप यहाँ ब्रिज के अंदर कैसे चले गए। तो गाइस, आपके वाले हाइडिंग प्लेस है कैसी लगी? अगर आपके वाले हाइडिंग प्लेस यहाँ पसंद आए, तो प्लीज इस वीडियो को यहाँ पे लाइक कर देना। तो चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट की ओर। तो गाइस, समझो नेक्स्ट वाला ट्रिक है, ये एक तरह से हाइडिंग प्लेस होने वाली है, और इस वाला ट्रिक का यूज करके आप अपने फ्रेंड या फिर अपने एनिमी को भी यहाँ पे सरप्राइज कर सकते हो, और साथ ही आप अपने रैंक को भी काफी यहाँ पे पुश कर सकते हो। तब आपको यहाँ पे क्या करना है, आपका हैंगर के पास वाले लॉन्च पैड पे आ जाना है। जैसे आप यहाँ पर आ जाओगे, फिर आप अपने लॉन्च पैड को बिल्कुल ऐसे सेट करके यहाँ पे लॉन्च कर देना। और जैसे आप लॉन्च करोगे, फिर आप हवा में फायरिंग करते हो एकदम से पानी के अंदर गिर जाना। और जैसे आप पानी के अंदर गिर जाओगे, फिर आपको यहाँ पे सरप्राइज देखने को मिलेगा। तो गाइस, जैसे कि आप देखते हो, हमारा जो करेक्टर है पानी के अंदर आके खड़ा हो चुका है। और जैसे आपको फ्रेंड इस वाले ट्रिक को यहाँ पे देखे, वो भी यहाँ पे सरप्राइज हो जाएगा कि आप पानी के अंदर कैसे खड़े हो गए। और गाइस, पानी के अंदर खड़े होने के साथ साथ आप भाग भी सकते हो, और साथ साथ आप चल भी सकते हो। और गाइस, अगर आपको यहाँ पे हाइड होना होगा, तो आप अपने बैठने वाले बटन पर प्रेस करना, तो आप पानी के अंदर टोटली हाइड भी हो जाओगे। और गाइस, इस वाले हाइडिंग प्लेस में कुछ ऐसा भी नहीं है कि अगर आप अपने एनिमी को यहाँ पे मारोगे, तो उसे यहाँ पे फेक डैमेज आएगा। तो अगर आपको अपने एनिमी को यहाँ से किल करना होगा, तो आप अपने बैठने वाले बटन पे प्रेस करना दोबारा से, तो आप खड़े हो जाओगे। खड़े होने के बाद आप अपने एनिमी को काफी इजीली किल कर पाओगे। और गाइस, मान लो आपको यहाँ पे एनिमी देख भी लेता है, तो अगर वो आपको फायरिंग करके मारने की कोशिश करेगा, तो आप पानी के अंदर दोबारा से बैठ जाना। और जैसे आप यहाँ बैठ जाओगे, तो सारा डैमेज पानी के ऊपर ही आकर रुक जाएगा, तो आपको यहाँ पे एक भी डैमेज नहीं होगा। और गाइस, बस आपको यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है, अगर आपने अपने जंप वाले बटन पे यहाँ पे प्रेस करा, तो आपकी वाली ट्रिक खत्म हो जाएगी, क्योंकि आप दोबारा से पानी के अंदर तैरने लग जाओगे।
तो गाइस जितने भी ट्रिक्स मैंने आपको इस वीडियो में बताया सारे ट्रिक्स आपको कैसे लगी। अगर आपको सारे ट्रिक्स यहाँ पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को यहाँ पर लाइक कर देना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना, और अगर आप चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। तो गाइस मिलते हैं अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।